अध्यात्म और धर्म अलग अलग होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। अध्यात्म एक है और धर्म अनेक है। धर्म के लिए आस्था जरूरी है, जबकि अध्यात्म में आत्मा एवं परमात्मा से जुड़ाव होता है। धर्म के लिए अध्यात्म आवश्यक है, पर अध्यात्म के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती। अध्यात्म की एक सामान्य परिभाषा यह है कि यह ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है जो धर्म से अलग है। धर्म वह अनुशासित जीवन कर्म है जिसमें अविद्या तथा विद्या दोनों की प्राप्ति होती है। धर्म भले अलग अलग हो, लेकिन उसमें मानवता, दया, करुणा, अहिंसा एवं परोपकार जैसे भाव होते हैं। सरल भाषा में कहे तो जो कुछ भी इस भौतिक जगत से परे और शक्तिशाली है वही अध्यात्म है। मगर हर धर्म के धर्म गुरु अलग अलग होते हैं। इसी वजह से उस धर्म को मानने वाले कई लोगों में मनुष्यता की कमी हो जाती है और वे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। आजकल के सभी धर्मों में इस तरह की बुराइयां दिख जाती है। आध्यात्मिक धर्म गुरु खोजने की आवश्यकता इसलिए है ताकि धर्म पथभ्रष्ट न हो। प्राचीन काल में धर्म गुरु सभी सुख सुविधाओं से दूर कुटिया में रहते थे। उनका जीवन सादगी भरा होता था। वे आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ संस्कार दिया करते थे। और आजकल के कुछ धर्म गुरुओं का ध्यान बड़े बड़े आश्रम और संपत्ति बनाने में रहता है। ऐसे धर्मगुरु कुछ अंधे समर्थक पाल लेते हैं जो उनके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। वह धर्म का दिखावा करते हैं और आडंबर रचते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म एक विचार है जो इंसान में पाशविकता खत्म करता है और उसमें देवता रूपी गुण प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति आम आदमी की सेवा करता है और उसकी अभिव्यक्ति ईश्वर स्वरूप में हो जाती है। भगवद गीता के अनुसार साधना पथ पर बढ़ने के चार रास्ते हैं, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ध्यान समाधि का मार्ग और भक्ति तपस्या का मार्ग। आध्यात्मिक व्यक्ति दया, करुणा, सेवा भाव, प्रेम एवं भक्ति में लीन रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए अपने आप से और दूसरों से प्रेम करें। एक आध्यात्मिक व्यक्ति मनुष्य, पशु पक्षी, प्रकृति सहित समस्त ब्रह्मांड का ध्यान रखता है। अध्यात्म का मार्ग सच्चाई, सन्मति, अच्छाई, सहनशीलता और विचारशीलता से होकर गुजरता है। इस विचार से देखें तो अध्यात्म धर्म को भी सही मार्ग दिखाता है। वह धर्म में बुराइयां और कुरीतियां आने से रोकता है। आध्यात्मिक बनने के लिए किसी धर्म एवं धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। उसका एकमात्र उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति असीम आनंद की अनुभूति या प्राप्ति करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा समाज एवं दुनिया के लिए अच्छा होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलता है। उसके लिए सभी धर्म एक समान होते हैं और वह बिना धर्म देखे हर व्यक्ति की समान रूप से सेवा करता है और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। आध्यात्मिकता हमें जीवन के सही मायने खोजने में मदद करती है। आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों से सकारात्मक संबंध रखते हैं। ऐसे लोगों का आत्मसम्मान उच्च होता है और वे आशावादी होते हैं। आध्यात्मिक मान्यताएं सही मायने में मानवीय मान्यताएं होती हैं। धन्यवाद।